देखिए आपको इस तरह से, इसमें बबल्स वगैरह नहीं आने देने चाहिए। फर्स्ट टाइम हम लोग लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें बबल्स आ गए, लेकिन आप जब इसको इस तरह से एक साइड से स्टिक कर लें तो आप क्या करें, इसको आहे इस तरह से काप को निकालें और उसको सामने की तरफ इस तरह से खींचें कि ये अच्छे से उस पर स्टिक हो जाए। इस तरह से निकालें और ध्यान रखें कि बबल्स नहीं बनने चाहिए। थोड़ा सा मेरे ये हो गए क्योंकि बबल्स बन रहे थे। चलिए ठीक है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए हमको इसको पहले जो पोर्शन है थोड़ा सा उसको स्टिक करना है आहिस्ता से, और उसके बाद बाकी का हम नीचे से खींच लेंगे। 20 बार ट्राई करते हैं, शायद इस बार ज़्यादा नुकसान ना हो और अच्छे से चिपक जाए। उसमें चिपक गए। अब हम नीचे वाला जो कागज़ है उसको हम आहिस्ता से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खींच लेंगे। अगर ये चिपक जाए और बबल्स आ जाए तो परेशान ना हो, क्योंकि हम इसको दोबारा खोल कर भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन वो हाथ पर चिपकता है, इसलिए ट्राई करें तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसे खींचें। इस तरह से बिल्कुल सही से स्टिक हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा पूरा कवर लग गया है डीप फ्रीजर के ऊपर। इस तरह से आप अपनी चीज़ें सेव भी कर सकते हैं और खूबसूरत भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हमको कोई चीज़ इस पर गीले रखने के लिए वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ जंग का अंदेशा नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया था लगाते वक्त, लेकिन ओके फर्स्ट टाइम है, बहुत ही अच्छे से हुआ है। और ये आपको बता दूँ 4.5 मीटर आता है और 60 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, तो अभी हमारा 1 मीटर या उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हमारा यूज़ हुआ है और बाकी का पूरा बहुत ही ज़्यादा रोल पूरा अभी बाकी है। हम लोग इसको किचन में लगाने वाले हैं तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ये छोटी छोटी चीज़ें देखें। थैंक यू।